वेलकम टू हिस्ट्री ऑन साइंस एकेडमी। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं एस फेज के बारे में। हम लोग सेल साइकिल पढ़ते हुए आए हैं, हम उसके अलग अलग फेजेस को, हम लोग ने आई फेज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, हमने जीवन फेज को, जो आई फेज का ही एक सब फेज है, इंटरफेज का ही एक सब फेज है, उसको बहुत डिटेल में लास्ट टाइम पे डील किया था। और आज हम बात करेंगे एस फेज के बारे में। एस फेज के बारे में तो ये आई फेज के अंदर आने वाला, आई फेज हमने बताया कंप्लीट सेल साइकिल जो है वो दो मेजर फेजेस के अंदर में डिवाइडेड है, एम फेज होता है और आई फेज होता है। आई फेज जो रहेगा इसमें आएगा गैप वन फेज प्लस एस फेज जिसको सिंथेसिस फेज कहते हैं प्लस जी टू फेज, इन सबको मिलाकर हम कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेस क्या होता है, क्या डिटेल्स है, वो सब हम लास्ट टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं। जीवन फेज हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है और आज हम बात करेंगे इस फेज के बारे में जिसे कहते हैं एस फेज। एंड एस इन दिस केस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस। ओके, चलिए जी, ये बात तो समझ में आ गई कि सिंथेसिस फेज है, लेकिन ध्यान से सुनिए, नाम से ही समझ में आता है कि अगर ये सिंथेसिस है तो डेफिनेटली यहाँ कुछ ना कुछ बन रहा होगा। ओके, अब अगर हम थोड़ा सा जीवन फेज को याद करें तो हमने बोला था कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन वर्ड है रेप्लिका से आया है। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी, या फिर मैं इसको डीएनए डुप्लीकेशन भी कह सकता हूँ। इसका मतलब डीएनए की कॉपी बनने का प्रोसेस। और अगर डीएनए की कॉपी बन रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। तो यहाँ पर इस फेज में किस चीज़ का सिंथेसिस होता है, तो हम बोलते हैं कि डीएनए की कॉपी का सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए डुप्लीकेशन होता है। सो ये है एस फेज। बट एक बात तो अब यहाँ पर समझ में आ गई, क्योंकि हम जीवन फेज में देख चुके हैं कि इस डीएनए रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन के लिए हमको जो एंजाइम्स लगते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज हमने बात किया, डीएनए लाइगेज हमने बात किया, तो ऐसे मल्टीपल एंजाइम्स और उसकी तैयारी जो थी वो ऑलरेडी जीवन फेज में हो चुकी थी। तो जब सारी तैयारियाँ डीएनए रेप्लिकेशन की हो गई तो मेरा सेल जो था सेल साइकिल के अगले फेज में गया, एस फेज में गया, और अब प्रोसेस स्टार्ट हुआ है डीएनए रेप्लिकेशन का, डीएनए की कॉपी बनने का। ठीक, अब यहाँ पर समझने वाली कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स आपके सामने आएंगे जिनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन अगर आप उसका पूरा सीक्वेंस समझ जाओ तो कोई मुश्किल नहीं है। ओके, अब मैं यहाँ पर आपके सामने दो टर्म्स लेकर आ रहा हूँ, उसमें से एक टर्म है प्लॉइडी और दूसरा टर्म है सी वैल्यू। प्लॉइडी एंड सी वैल्यू, हमको ये दो टर्म समझने हैं। बट अगर ये दो टर्म समझने हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत ही ग्रास लेवल पे, बहुत ही रूट लेवल से हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए बहुत सिंपल से वे में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्लॉइडी क्या होता है, सी वैल्यू क्या होती है, और फेजेस के साथ में ये किस तरह से चेंजेस होते रहते हैं। हैप्लॉइड डिप्लॉइड न्यूक्लियसिस की भी हम बात करेंगे। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 23 क्रोमोसोम्स को मैं कहता हूँ कि ये कंप्लीट सेट है। 23 क्रोमोसोम्स का एक कंप्लीट सेट होता है, या फिर मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम्स। ओके, वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम्स, या फिर 23 क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इस एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को मैं डिनोट करता हूँ स्मॉल एन से, और मैं इसको कहता हूँ कि ये हैप्लॉइड है। सो 23 क्रोमोसोम्स का एक सिंगल सेट है, एक सिंगल कंप्लीट सेट है जिसको मैंने डिनोट किया स्मॉल एन से, और मैंने उसको कहा कि ये हैप्लॉइड है।
हैप्लॉइड है, ओके। अब अगर 23+23 के दो सेट्स होते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि सेट्स कितने हैं, दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 23 के दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और इसी को मैं कहता हूँ 23 पेयर्स। पेयर्स क्यों बोला, उसका रीज़न हम आगे जब मियोसिस पढ़ेंगे तब मैं बताऊँगा, ठीक है। बट इसी 23 के दो सेट्स जब साथ में होते हैं तो मैं कहता हूँ कि ये 23 पेयर्स हैं, यानी टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अगर मैं एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को n से डिनोट कर रहा हूँ तो मैं दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम को 2n से डिनोट कर सकता हूँ, और मैं इसे कहता हूँ डिप्लॉइड। सो आई होप कि यहाँ तक बात आपके लिए क्लियर होगी। अब मैं दो चीज़ों की बात करता हूँ जो मेरे नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, ओके। जो मेरे नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं मैं उनको कहता हूँ सोमैटिक सेल्स। मेरी बॉडी के मैक्सिमम सेल्स सिर्फ गैमेट्स को छोड़ के बाकी जितने भी सेल्स हैं, इवन जर्म सेल्स, वो भी कैसे हैं, सोमैटिक हैं। अब सोमैटिक सेल्स या जर्म सेल्स को तो हम सोमैटिक नहीं कहते। जो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ वो समझ लीजिए कि मेरी बॉडी के मैक्सिमम सेल्स को मैं सोमैटिक कहता हूँ। ये मान लीजिए कि हम सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक होते हैं जर्म सेल्स और एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, ओके। सो वो सेल्स जो गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट्स बनाने वाले सेल्स को हम कहते हैं जर्म सेल्स, ओके। और आपको मालूम है कि गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। अब यह बात थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने बोला कि मेरी बॉडी के मैक्सिमम सेल्स जो हैं वो सोमैटिक सेल है, ठीक है। और मेरी बॉडी का कोई भी सेल ले लीजिए, जर्म सेल्स को या फिर गैमेट्स को छोड़कर, चलो फिलहाल गैमेट्स को हम पिक्चर से ही निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। कोई भी सेल मेरी बॉडी का या आपकी बॉडी का अगर हम देखेंगे तो वो होगा डिप्लॉइड। हमारी बॉडी का नॉर्मल सेल जिसको मैं सोमैटिक सेल कहता हूँ वो होता है डिप्लॉइड। बट सवाल ये है कि सर हमारा ये जो बॉडी का सेल है ये डिप्लॉइड हुआ कैसे? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और आपको फर्टिलाइजेशन देखना पड़ेगा, यानी मेरी बॉडी का जो सबसे पहला सेल बना था वो कौन सा था? मेरी बॉडी का जो सबसे पहला सेल बना था वो था जाइगोट। द फर्स्ट सेल ऑफ माय बॉडी वाज जाइगोट। जाइगोट कैसे बना था? तो हमने बोला था कि भाई जाइगोट बनता है फ्यूजन से। चलिए मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ ताकि लिखने के लिए जगह मिल जाए। मैंने बताया कि जाइगोट जो था ये मेरा फर्स्ट सेल था। न्यू ऑर्गेनिजम्स की, जब एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है ह्यूमंस की केस में या मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स की केस में, तो जो फर्स्ट सेल डेवलप हुआ वो है जाइगोट। अब ये जाइगोट कैसे डेवलप हुआ? तो आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, आप जानते हो कि मेल गैमेट आएगा और मेल गैमेट के पास में होंगे 23 क्रोमोसोम्स ओनली। मेल गैमेट्स के पास में कितने क्रोमोसोम्स हैं? सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल कंप्लीट सेट है, इसका मतलब सिंगल एन है, इसका मतलब हैप्लॉइड है ना। यही सारी चीज़ें तो हमने ऊपर देखी है। 23 क्रोमोसोम्स मेल गैमेट से आए, यानी एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आता है फ्रॉम द साइड ऑफ फादर। उसको मैं डिनोट करता हूँ सिंगल एन से और उसको मैं कहता हूँ हैप्लॉइड, ओके।
सो वन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम द फादर. इन द सेम वे अनादर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स चलिए मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, प्लस अनादर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ फीमेल गैमेट्स. यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे. इसका मतलब वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा. फिर मैं इसको डिनोट करूंगा एन से और मैं कहूंगा कि ये हैप्लॉइड है. ओके, सो हुआ क्या यहाँ पर, जब मेरी बॉडी का फर्स्ट सेल बना वो बना फर्टिलाइजेशन से, और फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ तो मैंने कहा वहाँ फ्यूजन हुआ मेल गैमेट का, वहाँ से आया एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन हुआ तो फीमेल गैमेट से आया एक और सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो जो जाइगोट बना है इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक सेट है फ्रॉम द साइड ऑफ फादर, प्लस एक और सेट है फ्रॉम द साइड ऑफ मदर. इसीलिए ओवरऑल जाइगोट जो रहेगा ये होगा 23 प्लस 23, या इसी को मैं कहता हूँ 23 का पेयर्स या फिर डिप्लॉइड. तो इस तरह हमारी बॉडी में डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं, और बाद में एक प्रोसेस होगा जिसमें इन्हीं डिप्लॉइड सेल्स में से गैमेट्स निकलेंगे और वो गैमेट्स न्यू ऑर्गेनिज्म में जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा और बनेगा फर्स्ट डिप्लॉइड सेल. तो अब आई होप कि आपके पास में एक चीज़ तो बहुत क्लियर होगी कि भाई हैप्लॉइड क्या होता है और डिप्लॉइड क्या होता है. तो हैप्लॉइड में सिर्फ एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, जबकि डिप्लॉइड में दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. अब यहाँ पर अगर आप एक वर्ड पे ध्यान दोगे तो मैंने कहा है हैप्लॉइड. जब मैं कहता हूँ हैप्लॉइड तो एक चीज़ इंस्टेंटली मेरे दिमाग को क्लिक कर जाती है, एंड आई इमीडिएटली अंडरस्टैंड दैट व्हेन आई से हैप्लॉइड आई जस्ट अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट यस देर इज वन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, देर आर 23 क्रोमोसोम्स. जब मैं कहता हूँ हैप्लॉइड सेल है तो एक चीज़ बहुत क्लियर मेरे दिमाग में आ जाती है कि ये 23 क्रोमोसोम्स हैं, एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. और जब मैं कहता हूँ डिप्लॉइड तो एक बात फिर से दिमाग में आ जाती है कि अब 23 के दो सेट्स हैं, 23 के दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 23 के दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स है, यानी 46 क्रोमोसोम्स है. अब एक बात जो मैं इस ये पूरे स्टेटमेंट से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड, ये प्लॉइड वाले नंबर से मुझे एक बात समझ में आती है. मैं एक चीज़ का अनुमान लगा लेता हूँ, अंदाज़ा लगा लेता हूँ, और वो होता है क्रोमोसोमल नंबर. सो प्लॉइड या प्लॉइडी जो है वो मुझे बताता है किस चीज़ के बारे में, क्रोमोसोमल नंबर के बारे में, या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि हैप्लॉइड मैंने बताया जैसे मैंने हैप्लॉइड बोला आपने इंस्टेंटली बोल दिया कि सर 23 क्रोमोसोम्स है, एक सिंगल सेट है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना 23. मैंने बोला डिप्लॉइड सेल है तो आपने बोला सर 23 की दो पेयर्स हैं, ठीक है, या पेयर है, 23 के दो सेट्स हैं, एक पेयर है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है. ठीक है, सो ये प्लॉइड या प्लॉइडी वाले नंबर से आप किस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं, तो वो है क्रोमोसोमल नंबर का. आई होप कि यहाँ तक बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. तो प्लॉइड या प्लॉइडी जो है ना, ये मुझे बताता है कि क्रोमोसोम्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं. ओके,